शालोम फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। विश्वासियों के जीवन में पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये तीनों जो दिन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और अहमियत कहलाता है। मगर आज मैं आप लोगों के बीच में पाम संडे और गुड फ्राइडे के दोनों के बीच एक ऐसा घटना हुआ यीशु मसीह की ज़िंदगी में, और ऐसे एक बात हुई, हम उसके ऊपर मनन करेंगे। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोल के मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 36वां वचन के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 26:36 ऑनवर्ड्स। मेरे प्यारों, इन वचनों में हम यीशु मसीह का वो रात, जो आखिरी रात अपने चेलों के साथ बिता रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के पहले वो आखिरी रात जो अपने चेलों के साथ और पिता के साथ जो बिता रहा है। जी हाँ, मैं आप लोगों को गतसमनी के उस बगीचे में मैं लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि गतसमनी का बगीचा हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत है। हमारे विश्वासियों के जीवन में, हमारे आत्मिकता के जीवन में, और प्रभु के साथ जो हम लोग चल रहे हैं, हमारे इस एक आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत ही अहम हिस्सा कहलाता है, गतसमनी का बगीचा। क्या हुआ उस दिन? प्रभु का वचन कहता है 36वां वचन में, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। जी हां मेरे प्यारों, वो रात यीशु मसीह अपने 11 चेलों के साथ गतसमनी के बगीचे में जाते हैं और तीन लोगों को अपने साथ, यानी पतरस, यूहन्ना और याकूब, इन तीनों को अपने साथ रख कर उस गतसमनी के बगीचे में थोड़ा भीतर जाकर वो कहते हैं कि तुम तीनों यहाँ पे बैठकर प्रार्थना करना। तीन भागों को हम लोग देख सकते हैं। पहला भाग, जो 11 चेलों को अपने साथ ले जाकर तीनों को अपने में लेकर 8 को एक जगह में रखा, क्योंकि एक चेला तो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए दुश्मनों के साथ मिल गया था। और 11 बज गए, 11 में से तीनों को अपने पास रखा और 8 लोगों को एक जगह में रखा, आप इधर ही बैठो, आप इधर ही रहना। गेतसमने के बगीचे में हम तीन भागों को देख सकते हैं, एक 8 का, दूसरा 3 का और 1 का। जी हाँ, 8 चेलों को एक जगह में रखा, 3 चेलों को और एक जगह में रखा, और अकेला उस पत्थर के पास जाकर व्याकुल होकर दर्द के साथ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। एक गेतसमने के बगीचे में मेरे प्यारों, हम पुराना नियम का उस एक मंदिर मंजूष का वो एक चित्र को देखते हैं, आंगन, पवित्र जगह और अति पवित्र जगह। जी हाँ, 8ों को एक जगह में रखा, 3ों को और एक जगह में रखकर यीशु मसीह कहते हैं, तुम यहाँ पे जागते रहकर प्रार्थना करना, जागते रहकर प्रार्थना करना। गेतसमने का मतलब है पीसना। दाखरस को जिस तरह पत्थर में डालकर उसको पीसा जाता है, तेलुगु में गानोगा बोल के बोला गया है, यानी पीसना। जी हाँ, यीशु मसीह उस गेतसमने के बगीचे में अपने आप को पीस रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह अकेले में वो थोड़ी दूर जाकर, जब वो दर्द के साथ, व्याकुल के साथ, लूका सुसमाचार में लिखा हुआ है, बहुत ही परेशानी के साथ, दबाव में आकर जब वो प्रार्थना करने लगे, उनका पसीना बड़े लहू के बूंद के समान पत्थर पर गिर गए। यीशु मसीह का वो पहला लहू का कतरा जो गेतसमने के बगीचे में बहाया गया या गिरा, यीशु मसीह का लहू गोलगता के पर्वत के ऊपर या रास्तों के ऊपर पहला नहीं बहाया गया,
वो पहला लहू का जो बूंद जो बड़ा था वो गेत्सेमने के बगीचे में गिर गया है मेरे प्यारो, क्योंकि यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में पीस रहे थे, पीस गए थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को यह दर्द नहीं था कि दूसरा दिन क्रूस उनके कंधों के ऊपर आने वाला है, मगर पूरा दुनिया का पाप, श्राप, बीमारी यीशु मसीह के कंधों के ऊपर वो आने वाला था। वो पवित्र परमेश्वर अपवित्रता का पाप, श्राप, बीमारी उसके कंधों के ऊपर, तेरे मेरे गुनाहों का क्रूस, तेरे मेरे श्रापों का क्रूस, तेरे मेरे पापों का क्रूस, तेरे मेरे बीमारियों का जो क्रूस, वो पवित्र कंधों के ऊपर आने वाला था। उस दर्द के वजह से यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में वो पीसने के दहलीज पर आ गए थे। इसके वजह से उनका पसीना जो था वो खून के समान, बिंदु के समान, बूंद के समान वो पत्थर पर गिर पड़ा मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, गेत्सेमने का वो रात वो दर्द का था, यीशु मसीह का व्याकुलता का था, वो रात यीशु मसीह का वो परेशानी का था। और यीशु मसीह ऐसे कह रहे हैं कि पिता, इस कटोरे को मेरे सामने से निकाल, फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी ही मर्जी पूरी हो जाए। जी हाँ मेरे प्यारो, दर्द था कि दुनिया का पाप, श्राप, गुनाहों का क्रूस यीशु के कंधों के ऊपर आने वाला था, फिर भी यीशु मसीह कहते कि पिता, तेरी ही मर्जी पूरी हो जाए। उत्पत्ति के बगीचे में, उत्पत्ति में एक और बगीचा हम लोग देखते हैं, एदेन का बगीचा। जी हाँ, वो एदेन के बगीचे में आदम और हव्वा का अविधेय था, पाप का शुरुआत हुआ। पिता के विरोध वो लोग चले गए, पिता के मर्जी के विरोध वो चले गए, अविधेयता दिखाया, पाप का शुरुआत हुआ। वो बगीचा जो एदेन का था, पाप का शुरुआत, और ये बगीचा गेत्सेमने का पाप का अंत होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारों, आज इन बातों से मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आइए गेत्सेमने का बगीचे का अनुभव हम अपने आप को लेंगे। यीशु मसीह तेरे लिए, मेरे लिए उस रात को जो दर्द के साथ, व्याकुलता के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे, एदेन के बगीचे से निकलकर गेत्सेमने के बगीचे में आ जाना। एदेन का बगीचा पाप का शुरुआत, गेत्सेमने का बगीचा पाप का अंत। एदेन का बगीचा बीमारियों का शुरुआत, गेत्सेमने का बगीचा बीमारियों का अंत। एदेन का बगीचा श्रापों का शुरुआत, गेत्सेमने का बगीचा श्रापों का अंत। एदेन का बगीचा इंसानियत का अविधेयता का शुरुआत, गेत्सेमने का बगीचा यीशु मसीह की विधेयता से इंसानियत को उद्धार मिला। आइए एदेन के बगीचे में प्रवेश हो जाए, यीशु मसीह के साथ बैठकर प्रार्थना में लगे रहें, यीशु मसीह के साथ जागते हुए प्रार्थना करना, यीशु मसीह के साथ चलना उस गेत्सेमने के बगीचे में, और एदेन के बगीचे से बाहर निकलकर गेत्सेमने के बगीचे के अंदर आकर गेत्सेमने का उस अनुभव को लेना, प्रार्थना का अनुभव, पवित्रता का अनुभव, विधेयता का अनुभव। जी हाँ, गेत्सेमने का अनुभव प्रार्थना का, गेत्सेमने का अनुभव विधेयता का, गेत्सेमने का अनुभव विश्वास का, गेत्सेमने का अनुभव प्रभु के बातों को मानकर उसकी मर्जी को पूरा करना। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए गेत्सेमने के बगीचे में प्रवेश हो जाएंगे। एदेन के बगीचे से निकलो, गेत्सेमने के बगीचे में प्रवेश हो जाओ, गेत्सेमने के अभिषेक को, गेत्सेमने के अनुभव को, गेत्सेमने का उस अनुभव के साथ आगे बढ़े और अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ खड़े रहें। प्रभु आप लोगों को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।